जय गुरुदेव, नमस्ते टू यू ऑल। जय गुरुदेव। श्रेष्ठ नंदराज मावली की जय हो। जय गुरुदेव। सो आज का हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सब बोध मार्गियों के लिए। बहुत ज्यादा आज का भगवद गीता का अध्याय नंबर 15वां नाम है पुरुषोत्तम योग, और हम प्रकृति पुरुष के बारे में कई दिनों से बात करते आ रहे हैं। प्रकृति और पुरुष, और यह 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग के बारे में बात करता है। क्या है पुरुषोत्तम योग? एक्चुअली भगवद गीता का आज 15 चैप्टर हो रहे हैं, और हमें सच में यकीन नहीं होता कि हम इसको इतना कर पाए। हम करने वाले तो नहीं है कोई, पर फिर भी ताज्जुब होता है कि ये कैसे हो गया। हमने कभी भगवद गीता सुनी नहीं थी, और हमेशा कंटा लाता है, फ्रैंकली स्पीकिंग, ऐसा सुनने बैठो हमने कभी नहीं सुना जिस तरीके से आप सुन रहे हो। और हम ये भी देख रहे हैं कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड पीपल आर वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब। ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि भगवद गीता बहुत ही कम लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमने भी कभी नहीं सुना। पर ऐसा कुछ हो गया गुरु कृपा से कि वो अवतरित हो गया, उसके बावजूद भी कभी कभार ही हम पढ़ पाते कुछ ही चैप्टर्स। और ये संत श्रेष्ठ नंदराज मौली के 725वें जो समाधि अवसर हैं, उस अवसर पे ये हमने कार्यक्रम शुरू करने का जो सोचा था गुरु कृपा से, वो हो रहा है। और ऐसे ऐसे चैप्टर जो हमने कभी पढ़े नहीं थे, कभी वर्सेस पढ़े नहीं थे, बस एक घंटा पहले ऐसे देख लेते हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर, उनका बस देख लेते हैं वर्सेस, तो वो बहुत दफ़ा वर्सेस जो है वो पहली दफ़ा हम पढ़ते हैं, तो इसलिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे कि हमारे जो उच्चार जो होते हैं बहुत दफ़ा, या हम पढ़ नहीं पाते वर्सेस। आई एम श्योर आप उसके लिए हमें क्षमा करेंगे, हमारी कई सारी भूलें होती रहती हैं। और बहुत दफ़ा हम जब पढ़ लेते हैं तो फिर जो एक्चुअल में जो आई है वो हम नहीं बता पाते, इसलिए हम नहीं पढ़ते, लेकिन कुछ वर्सेस को पढ़ लेते हैं। शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि पहल हमने कुछ वर्सेस को चुना और वो पढ़ते रहे। बहुत दफ़ा हम वर्सेस को ही पढ़ते हैं विदाउट इट्स एक्सप्लेनेशन। किसी भी भगवद गीता के एक्सप्लेनेशन हम नहीं पढ़ते, संस्कृत के ही
जो शब्द हैं उसी को देखते रहते हैं और वही आना शुरू हो जाता है और उसका सही अर्थ, यहाँ तक कि हमने देखा कि जो जो बुक में, किसी भी बुक में जो दिया होता है उस तरीके से ना होकर ये समझ कुछ हो रही होती है और वो बहुत ज़्यादातर समझ हमें ज्ञानेश्वरी से बहुत ज़्यादा सिमिलर लगी। हम भटके, बहुत ज़्यादा भटके, कई साल हम 2015 में रिवील हुआ, 2017 तक हम भटके, 2017 में के एंड में पता चला कि हम जहाँ जो भटक रहे उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ज्ञानेश्वरी में सारा अवेलेबल है। और उस तरीके से ये फिलॉसफी जो है, हमने देखा कि ये पूरी की पूरी ज्ञानेश्वरी में आ रही है और पसादान तो उसका एसेंस है, सब कुछ आ गया, बोध मार्ग की फिलॉसफी उसमें आ गई, इट्स लाइक अ कैप्सूल कि पूरा सब कुछ आ गया उसमें। तो आज 15वां पुरुषोत्तम यज्ञ बोध मार्गियों के लिए बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके 15वां चैप्टर आप ज्ञानेश्वरी से ही पढ़िए, ये हमारी मतलब आपसे एक गुजारिश होगी, निवेदन होगा कि आप ज्ञानेश्वरी को पढ़िए 15वां चैप्टर के लिए खास करके, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि ये क्या है, ये 15वां चैप्टर है क्या, क्योंकि 15वां चैप्टर जो है ना वो उसका पहला ही वर्स कुछ ये बता रहा है। क्या है ये? यह है इन्वर्टेड ट्री। भगवद गीता का 15वां चैप्टर का पहला ही वर्स कहता है कि ऊर्ध्व मूलम, हम ऐसा जीवन जी रहे हैं कि जिसके मूल जो हैं वो ऊपर की तरफ है और पत्ते उसके फल वो सब नीचे की तरफ है, उल्टा है सब। हम कोशिश करते हैं पढ़ने की। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वं मूलं मधं शाखं अश्वत्थं प्राहुरवयं छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। जय गुरुदेव। इस वर्ष को पढ़ते पढ़ते जो मुझे खुशबू आ रही है, काश वो खुशबू आपको भी आती, या जो मैं फील कर रहा हूँ वो फीलिंग आप भी महसूस करते हैं, उसका कुछ अंश आपको मिल सकता है। शिष्य भाव जैसे बढ़ता है वो खुशबू और वो फीलिंग आना शुरू हो जाती है। तो भगवद गीता का पहला वर्स बोलता है कि हम ऐसे वृक्ष जिसका नाम है अश्वत्थ, अश्वत्थ मतलब शाश्वत, अशाश्वत, शाश्वत मतलब इटर्नल और अशाश्वत मतलब क्या कहेंगे इसको, अशाश्वत जो लगता तो है शाश्वत जैसा पर वो शाश्वत नहीं है, हालांकि अनादि हैं, अनादि इसका कोई मतलब इस हिस्ट्री का जो है कहते हैं कि ना जन्म है ना एंड है, ना स्टार्ट है ना एंड है, पर ये हैं, पर इसके बावजूद भी ये भूल है क्योंकि ये दिखता है ऐसे पर वो सेम नहीं होता, हमेशा बदलते रहता है, इसके पत्ते बदलते हैं, इसके फूल बदलते हैं, इसके फल बदलते हैं, मतलब फलों के स्वाद भी बदलते हैं। तो ऐसा ये फल है, ऐसा ये वृक्ष है जो अश्वत्थ है और इसमें क्या है कि प्राहुर अव्ययम, व्यय नहीं होता इसका, खर्चा कुछ नहीं होता, ये लगातार चलते रहता है, इसका खर्चा कुछ नहीं, इसमें ख़त्म कुछ नहीं होता, इसके फल ख़त्म नहीं होते, पत्ते ख़त्म नहीं होते, जारी है, लगातार चलते ही रहता है, कुछ न कुछ चलता ही रहेगा। तो इस पहले वर्ष में कहा है कि ऐसे वृक्ष को जो जान जाएगा ना वो संपूर्ण वेदों को जानने वाला होगा, वेद उपनिषद उसको सारे समझ आएंगे। अगर वो सिर्फ इस वृक्ष को समझ लेता है तो कंडीशन क्या है कि इस वृक्ष को समझना, अश्वत्थ, अश्वत्थ मतलब पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, अश्वत्थ
अशाश्वत, ये परिवर्तन है, मतलब लगातार इसमें परिवर्तन होता रहता है, ये सेम नहीं होता। मतलब अभी आपको ये ऐसा दिख रहा है ना, तो हो सकता है कि कभी आपको कुछ और तरीके से दिखे, है ना। जैसे कि अभी आपको ये टहनियाँ दिख रही थी, अभी आपको कुछ ऐसा दिखे, कभी आपको मतलब ये एकदम मस्त, क्या कहते हैं इसको, हरा भरा, फुलो फुलो, ये ऐसा फलता रहता है, फुलता रहता है, कई सारी बातें हैं इसमें। हम सारे के सारे इन फलों में और फूलों में उलझे हुए हैं, जो भूल जनित हैं, अपरिवर्तनीय है। ये भूल है, भूल है, ये हमें नहीं समझ में आता, पर ये अनादि है। देखो क्या मतलब, उल्टा है ना, ये उल्टा है, अनादि है, ये कई सालों से है, ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा, पर ये रियल नहीं है। क्यों रियल नहीं है, इल्यूजन क्यों कहा, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट करता है पर ये बदलते रहता है, इसलिए आप फंसोगे, इसलिए आपको इसमें कोई सुकून नहीं मिलेगा, इसमें तड़पोगे आप। कभी फल मीठे लगेंगे तो कभी आपको कड़वे लगेंगे, कभी सुख तो कभी दुख आएगा। तो ऐसा ये उल्टा पेड़ है, इसकी शाखाएं जो हैं वो मतलब हर एक गति में हैं, उच्च गति, नीच गति, तिर्यक गति, ऐसे गतियों में है। और उसको पोषण कौन करता है, तो हमारे तीन गुण, सत्व, रजस और तमस। बहुत ज़्यादा ऐसे फिलोसॉफिकल बात ना करते हुए हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि ऐसा ट्री तो कभी सुना नहीं कि जो अनादि हो और जो उल्टा हो। पर हमारे जीवन में ये ऐसे अश्वत्थ भगवद गीता के 15वें चैप्टर में बताया हुआ है, ये उल्टा क्या है, क्यों है उल्टा। क्या है, क्या चक्कर है भैया, सिंपल सी बात, हमारे डेली लाइफ से, क्योंकि ये गीतानुभव है तो हमारे लाइफ से रिलेट होना चाहिए, तो ये कैसे रिलेट हो रहा है देखते हैं। बहुत ऐसे किस्से होते हैं हमारे लाइफ के कि वो ख़त्म ही नहीं होते, हम बहुत कोशिश करते हैं कि वो ख़त्म हो जाए पर वो ख़त्म ही नहीं होते। हम चाहते हैं कि ये फल जो आ रहा है ना, ये कड़वा फल जो आ रहा है ना मेरे लाइफ में, वो नहीं आए, तो मैं बहुत कड़ी मेहनत करता हूँ, कड़ी मेहनत के बावजूद भी देखता हूँ कि मैं हार गया और वही फल आ रहा है। मैं सोचता हूँ कि कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पालूंगा पोसूंगा और मैं आज कुछ नहीं करूँगा, सारी मेहनत ही करूँगा, अपने बच्चों के लिए पूरा जी जान लगा दूंगा, और बाद में देखता क्या, उनके बच्चे तो कुछ और ही कर रहे हैं और उल्टा ही कर रहे हैं। या स्पाउस के साथ में बहुत झगड़े हो रहे हैं, आप क्या कुछ नहीं करते, पूरा आप मतलब सैक्रिफाइस कर देते, त्याग कर देते हैं, फिर भी वही बात, ऐसा बहुत चलते रहता है हर एक एरियाज में, ऐसे चलते रहता है कहीं ना कहीं। मतलब अनगिनत है, दुनियादारी बहुत कुछ है, हमने इसको नाम लिखा है दुनियादारी के से मुक्त होना है, ये पुरुषोत्तम योग, मतलब दुनियादारी से जो मुक्त रखें आपको। तो दुनियादारी जो बहुत चलती है ना, बहुत चलती रहती है दुनियादारी हमारे लाइफ में, हम अच्छा करने जाते हैं बुरा होता है, बुरा करने जाते तो और बुरा होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, नंबर ऑफ थिंग्स, सोचते कुछ हैं, होता कुछ हैं। तो ये, और हमारा, हम जो फल देखते हैं ना, वो वैसा फल नहीं आता, कुछ और ही फल आता है। तो ये पेड़ समझ में नहीं आता कि ये पेड़ है क्या भाई, और ये ख़त्म भी नहीं होता, जानते हो क्या, ये पेड़ कभी ख़त्म नहीं होता। यस हरीश जी, दिस इज गोइंग टू बी सुपर पावरफुल, सुपर 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 डुपर, क्योंकि 15वां चैप्टर जो है पुरुषोत्तम योग, वो मुझे अष्टवक्र गीता और भगवद गीता का मिश्रण ज्ञानेश्वरी में लगता है।
15 चैप्टर खास करके। उल्टा पेड़, हम उल्टे पेड़ के फल चखने की कोशिश कर रहे हैं, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। अगर हंसना ज़्यादा है तो ठीक है, पर रोना अगर ज़्यादा है तो क्या करें? बहुत ज़्यादा अगर रोना हो तो कैसा करेंगे? कुछ फल तो ऐसे होते हैं कि खा भी नहीं सकते, दिखते हैं पर खाया नहीं जाता, और कुछ फल तो मुंह तक आने वाले थे, आते 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 कोई छीन लेता और हमें उल्टा सीधा ऐसे कहाँ तहस नहस कहाँ बहा ले जाता, पता नहीं चलता। रिलेशनशिप में कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं, क्लाइंट्स के साथ में ऐसे कुछ मैटर्स होते हैं कि सॉल्व ही नहीं होते, और कभी कभी तो कोर्ट कचहरी में ऐसे चलते हैं कि पता ही नहीं चलता। आप सब दे रहे हो, आप सारे पेपर्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब दे पा रहे हो एंड स्टिल इट इज नॉट वर्किंग। पूरी दुनिया बोलती है कि मतलब नतीजा आपके जरिए आपके साथ में आना चाहिए था, लेकिन नतीजा तो कुछ और ही आ रहा है, ये क्या चक्कर है? तो ये प्रकृति हमारे साथ में चाल चलती है। प्रकृति को चाहिए होता है कि आप बोध में आगे ना बढ़े, आप अध्यात्म में आगे ना बढ़े। प्रकृति को चाहिए होता है कि आप, प्रकृति को ऐसा नहीं चाहिए होता, ये हमारे कर्मों से होता है, पर प्रकृति वैसे कराती है। अगर आपके कर्मों में ऐसा है कि आप अध्यात्म में आगे ना बढ़े, ईश्वर का साथ आपको ना मिले, तो आपके कर्म प्रकृति का सहारे, क्योंकि प्रकृति भी ईश्वर की ही है। तो कल हमारे साथ में दो ऐसे किस्से हुए कि जो दो माउलीज हमारे साथ में बहुत क्लोजली काम कर रही हैं, दो माउलीज के किस्से हमारे लिए बहुत ज्यादा आई ओपनिंग रहे। वो माउली का मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उनकी बात बताऊंगा। वो माउली बुरा ना माने, क्योंकि ये एप्ट रहा। कल आपने हमें कॉल किया और हमें जो बातें बताई वो हमारे लिए बहुत ज्यादा एप्ट रही बात। आपको शायद ये भी लगा कि हमने आपको कोई सलाह नहीं दी, नहीं आपको कोई मतलब थोड़ा सहारा भी नहीं जैसे दिया, एटलीस्ट बातों में भी नहीं। आपको ये लगा कि मेरा समय लिए जा रहे हो या मैं आपको समय नहीं दे पा रहा हूँ, बात ऐसी नहीं थी। हमें इतना पता है कि ये प्रकृति आपके साथ में खेल खेल रही है और हम आपको बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ये प्रकृति आपके साथ में खेल खेल रही है, आप उल्टे पेड़ लटक रहे हो, हमें पता है। पर हम ये जो पता है ना, वो हम जो आपको बता रहे हैं ना, वो हम उस चीज़ से जा भी चुके हैं। ऐसा नहीं कि हम बस ये फिलॉसफी वाली बातें बोल रहे हैं, ये गीतानुभव है। वो क्या है, वो क्या है? तो इसलिए ज्ञानेश्वरी के अध्याय में जाना होगा। ज्ञानेश्वरी का ये जो 15वां अध्याय है, इसमें बात लिखी है ये 254 मेरे ख्याल से ज्ञानेश्वरी का वर्स नंबर चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 254 आई एम नॉट श्योर बट 254। ये क्या बताता है कि ये प्रकृति, ये संसार वृक्ष की जो प्रकृति है, उस प्रकृति में आप फंसे हो और ये संसार वृक्ष का नाश नहीं होगा, ये संसार वृक्ष तुम्हें खेलते रहेगा, तुम्हारे साथ में खेलते रहेगा, तुम्हें नचाते रहेगा, नचाते रहेगा, नचाते रहेगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन दिया है इसमें कि ये इसके जो जड़े हैं ना, इसकी जड़ों में आता है ममता, अहंता और वासना। ये तीन चीजें जो हैं, इसके साथ में आप जब तक काम नहीं करोगे ना, ममता मेरा मेरा, अहंता मैं कुछ करूंगा, करतेपना और वासना है, ये जब तक आपके इसके ऊपर आप जब तक काम नहीं करोगे ना, तब तक ये मूल जो है, इसके जड़ जो हैं, ये फैलते ही जाते हैं। आप उसको काटोगे ना तो भी वो फैलते हैं। तो करें क्या फिर? तो इसके लिए गुरु कृपा से आपको आद्य पुरुष को अभेद भाव से शरण जाना है, ऐसे ज्ञानेश्वर में लिखा है।
और अर्जुन, सुनो अर्जुना, ज्ञान रूपी शस्त्र, विवेक रूपी सहन, मतलब उसको पूरा घिस के बोध मैं हूं ऐसा बस बोलो। ज्ञान रूपी शस्त्र, विवेक रूपी वो सहन, सहन मतलब जिसपे आप धार धार लगाते हैं, ऐसे अपने बोध को धार दो, बोध को, अपने बोध को धार धार बना के रखो, अपने बोध को देखना, बोध को धार धार बनाए रखना, याद रख, बोध को धार रख, बोध को धार रख, ये ज्ञानेश्वरी की बात, बोध को धार रख। आगे क्या, आगे मी ब्रह्म आहे बोधाने धार धार झालेले असावे आणि हे विश्व ब्रह्म आहे अशा एकाच पूर्ण बोधाने चकचित चकचकित केलेले असावे। इस बात को समझो कि ज्ञान रूपी शस्त्र को विवेक रूपी सहाण के ऊपर उसे घिसे और मैं ब्रह्म हूं ऐसे बोध में बने रहो और विश्व ही ब्रह्म है ऐसे एक ही पूर्ण बोध में बने रहो, एक पूर्ण बोध में बने रहो। हम क्या कर रहे हैं बोध मार्ग में, बोधो हम, बोधो हम, वही तो बात बोल रहे हैं। ज्ञानेश्वरी में या अष्टवक्र गीता में यही बात है, बोधो हम। ज्ञान खंगेन मतलब ज्ञान की खंग, तलवार से काट डालो, इस पेड़ को काट डालो, बोलने के लिए बहुत बड़ी बात है भाई, आसान बात है। आपको क्या, आप तो बोलने के लिए सब बोल देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। कल मावली ने फ़ोन किया हमें और बोला सर ऐसा नहीं ना होता, सर ऐसा थोड़ी होता है ना सर, तो फिर ऐसा क्यों हो गया। देखो मावली आप बुरा मत मानो, हम बोल रहे हैं बिकॉज यू आर इन अ पेन, आई अंडरस्टैंड, वो सबका पेन है, आप बस रिलेट करिए उससे, हम आपका मिमिक नहीं कर रहे हैं, ये हमारी भी हालत रह चुकी है एक ज़माने में। आपके आवाज में कल टोन में यह था कि आप बोध को मानते हैं, आप ईश्वर को मानते हैं, पर कुछ अवस्था में यह पॉसिबल नहीं है। आप कहते हैं कि सब अवस्था में यह पॉसिबल था, अब तक पॉसिबल था, अब यह पॉसिबल नहीं है, ये ऐसे अवस्था में कैसे पॉसिबल होगा। ये देखो ना आप, ये अवस्था जो है हमारी आप समझते क्यों नहीं है, ये इस अवस्था में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे ये जो फल जो लगा है ना, ये फल जो अभी आप नहीं समझ रहे हैं, ये फल जो है हमें बहुत ज़्यादा कड़वा लग रहा है। ये जब तक फल मीठा था ना, ये फल यहाँ पे मीठा था तब तक ठीक था, हम आपको या मीठा थोड़ा बहुत मैनेजेबल था, हम उसको मैनेज कर रहे थे। अभी ये जो फल है ना, ये फल अभी हमें पीड़ा दे रहा है और इस फल को हम सह नहीं पाते, ये फल को हम क्या करें, ये कैसा करें, ये एप्लीकेबल नहीं है। देखिए ये बाकी फलों के लिए एप्लीकेबल है, आई कैन वेरी वेल रिलेट, लेकिन ये फल जो है बहुत ज़्यादा चुभने वाला है। सर आपके साथ में ऐसा होता तो आप क्या करते, सर ये सब जगह पॉसिबल नहीं है, ये फल मुझे ये बहुत तकलीफ दे रहा है। आप जो ये बोल रहे हो ना उल्टा उल्टा सुल्टा कुछ नहीं है, ये फल का मुझे तकलीफ हो रही है, ये कड़वा ही नहीं है बल्कि तीखा भी है और बहुत पेनफुल है, इट्स टू पेनफुल, टू पेनफुल। और आप क्या बोल रहे हो, ज्ञान कंगन से काट डालो, ज्ञान की तलवार से काट डालो, बोध की तलवार से इस पेड़ को काट डालो। हमने काटे नहीं है अभी तक, इतने सारे काटे, देखो हमने ये काटा है, हमने यहाँ तक ये काट दिया, ये काट दिया था हमने, ये जो फल आया था ना इसको काट दिया था, आपने जो जो फल बोले थे तो उसमें से कुछ फलों को हमने काट दिए हैं, यहाँ का फल, यहाँ का फल, यहाँ का फल हमने काट दिए, काट दिए हमने वो फल, लेकिन ये फल नहीं ना कट रहा, ये फल तो इनफैक्ट बढ़ ही रहा है, ये फल अब तक कट जाना चाहिए था, ये तो बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, ये फल हमसे नहीं कट रहा है और ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो इसीलिए ये बोध मार्ग की फिलॉसफी या ये 15वां चैप्टर पुरुषोत्तम योग, ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। हेलो सर आप समझ गए ना, हेलो आप समझ गए ना, जय गुरुदेव। देखिए मैं अपने आप को नौटंकी बाबा कहता हूँ, नौटंकी बाबा, मैं जब अपने आप से कभी कभी बात करता हूँ तो नौटंकी बाबा कहता हूँ, तो मैं नौटंकी कर लिया अभी थोड़ा बहुत आपसे, इस नौटंकी को समझ लो, ये हमारी नौटंकी है और इस नौटंकी से मैं कई बार गुजर चुका हूँ। आप ऐसी नौटंकी मेरे सामने बोलोगे तो मैं जानता हूँ कि आप मेरी बेटी जैसे हो, लेकिन उस समय में उस अवस्था में नहीं होते कि आपको ये बताना कि ये हमारे जीवन का नाटक है।
पर ये हमें ग्रंथों पे, गुरुओं पे और ईश्वर पे निष्ठा रखनी होगी। और इसमें यही बात लिखी है कि ये पेड़ जो है ये उल्टा है, कुछ कुछ टहनियाँ आप काट पाओगे, सारी टहनियाँ आपको कुछ और तरीके अपनाना होगा। कुछ आपके पास, आपको हम बोध मार्ग की कुछ तकनीकें बताएंगे जिसके ज़रिए आप काट पाओगे, कुछ फलों को आप काट पाएंगे, कुछ फलों को कुछ गुरु कृपा के अधिष्ठित आपको छोड़ना होगा, आधार पर छोड़ना होगा। क्या है ये, थोड़ा सोचते हैं। जय गुरुदेव। आई एम श्योर कोई बुरा नहीं मानेंगे इस नौटंकी से, हम भी नौटंकी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, पर इस बात से समझे कि ये जो पेड़ जो है, ये जो उल्टा लटका हुआ पेड़ है ना, इस पेड़ को समझे, कुछ टहनियाँ हम काट पाएंगे, कुछ टहनियाँ हम नहीं काट पाएंगे, कुछ टहनियों हमारे बस में नहीं है ऐसा लगता है हमें, है ना। ये जो पेड़ जो दिख रहा है ना, इस पेड़ में कुछ फल ऐसे होते हैं कि जो मीठे हैं ओके, या कुछ कम मीठे हैं, कुछ तीखे हैं, कुछ क्या है तो कुछ क्या है, लेकिन ये जो फल है ना, अभी जो फल, ये कड़वा और बहुत इंटेंस फल, जो एकदम चित्र विचित्र फल है, मतलब बहुत परेशानदायक, इसका हम क्या करें। हम ये इस फिलॉसफी के जरिए इनको तो निकाल पाए, ये और इसमें से भी कुछ निकाल पाए, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं निकल रही, तो इसका क्या सोल्यूशन है। ये पेड़ तब तक बना रहता है जब तक जो है आप ममता, अहमता और वासना, इन तीन चीज़ों को सहारा देते हो। एक बार आपका बोधोपाय हो जाने के बाद में ये अपने आप कम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रकृति आपकी टेस्ट लेती है, और ये प्रकृति बताती है कि आपने कहीं ना कहीं ममता को पकड़ रखा है। अगर एक बार आपका बोधोपाय हो गया और आपने ममता अहमता नहीं छोड़ी और कुछ वासनाओं को नहीं छोड़ा, तो ये जो है ना, ये बढ़ना शुरू होता है, ये आपको तकलीफ देना शुरू कर देता है। तो इसका एक ही उपाय है कि बोध की तरफ बढ़े, ममता अहमता और वासना। उपाय क्या है? उपाय है, भगवद गीता में लिखा है, वैराग्य। अगर आप वैराग्य का अपनाते हो तो ही आप इसमें से मुक्त होंगे। मान और मोह से रहित हो जाओ। मान मतलब क्या, कि मेरा सोसाइटी में मेरा कुछ इंप्रेशन हो, सोसाइटी में मेरा कुछ नाम हो, कि मैं भी कुछ करता हूं, ऐसा कुछ हो, ये मान, या कुछ लोग मुझे रिस्पेक्ट दें, या एटलीस्ट मेरे घर के लोग तो मुझे अप्रिशिएट करें, या मोह, हम किसी में अटके पड़े हुए हैं, हमारी अटैचमेंट किसी में है, और हमारे अंदर का ईश्वर चाहता है कि हम किसी में अटके ही ना, या हमारा कुछ मोह ही ना हो, और हम मान सम्मान में भी ना लगे, तो हमारे अंदर का बोध चाहता है कि इससे आप मुक्त हो, पर हम नहीं मुक्त हो रहे, उल्टा हम उल्टा कर रहे हैं, हम उल्टे पहाड़ पे, उल्टे पेड़ पे फलों को अपेक्षित रख रहे हैं कि ये फल मुझे मिले, ये फल मिले। तो इसीलिए कहा है, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः। मान और मोह से रहित हो जाना है, आसक्ति से भी रहित हो जाना है, ऐसे सुख दुख के परे प्रकृति को छोड़कर पुरुष में समा जाना है, पुरुष में बने रहना है। ऑल द टाइम आप पुरुष में बने रहें। अभी ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती रही है कि समझा पाना, बता पाना।
एक को नहीं, दो को नहीं, कई लोगों को। हालांकि हम इसे जा चुके हैं, शायद आगे भी जाते रहेंगे या नहीं भी जाते रहेंगे या मुक्त भी हो जाएंगे, पर जब जब हम ये तीन चीजों को पकड़ेंगे, ममता, अहंता और वासना को, तो ये प्रकृति खेल खेलेगी। तब तब प्रकृति खेल खेलने आ जाएगी आपसे, चलो नौटंकी तैयार हो जाओ, ऐसा मेरी प्रकृति मेरे को बोलती है, नौटंका बाबा चलो तैयार हो जाओ, चलो खेलते हैं, और मेरी प्रकृति मेरे साथ में खेल खेलती है, ऐसा उल्टा सीधा घुमाती रहती है। एग्जाम्पल देता हूँ आप समझ जाएंगे। एक दिन क्या होता है कि मैं उठ के देखता हूँ कि अरे मैं तो कहीं और ही हूँ, किसी और ही घर में हूँ, और मेरा फ़ोन देखता हूँ, देखता हूँ टाइम क्या है, अरे सुबह हो गई, चलो उठ लेते हैं। बाहर आके देखता हूँ, अरे सब जगह पानी ही पानी है, ये क्या चक्कर है, मैं पानी के बीच में घर कहाँ पे आ गया। और पानी का जरा चख के देखता हूँ तो ये तो पूरा खारा है, अरे मैं समुंदर में तो नहीं अटक गया, शायद मैं समुंदर में ही हूँ। ओके ठीक है, फ़ोन की रेंज है, पर अरे ये क्या चक्कर है, समुंदर में फुल फ्लेज फ़ोन की रेंज है, अरे वाह अच्छी बात है। मैं अपने ऐसे दोस्त को फ़ोन करता हूँ जिसकी जहाज़ है, उसको बोलता है कि देख ये मेरा लोकेशन है और मैं समुंदर में फंसा पड़ा हूँ, तो मुझे निकालने आ जा तेरी जहाज़ लेके, शिप लेके। तो वो भी एकदम, अरे रिवेश तेरे को बचाने के लिए तू बोल, तू कहाँ पे है, बस एक पैर पे रेडी है, हम आ जाते हैं। और वो अपनी जहाज़ निकालता है, बोलता लेकिन यार ये इस लोकेशन पे मेरी जहाज़ आ नहीं रही यार, रिवेश आई थिंक यू आर इन अ ट्रबल, आपको कुछ करना चाहिए। फिर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास में और किस किस के नंबर है, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, अरे यार मैं बड़े प्रॉब्लम में हूँ, रिवेश का प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो सकता है, रिवेश कोई ऐसा वैसा नहीं है, बहुत बड़े प्रॉब्लम में है रिवेश, समझ जाओ, पूरी दुनिया को मैसेज भेजा, ये इसको मैसेज भेजा, उसको मैसेज भेजा, हेलीकॉप्टर बुलाओ यार, ये क्या चक्कर है, कहाँ फंस गए हम। तो बाद में पता चलता कि ये लोकेशन किसी मिठागर का है, मिठागर मतलब वो मीठ नमक जो बनता है ना, जहाँ पे पूरा पानी पानी होता है लेकिन वो गहरा नहीं होता, हम चल के बाहर आ सकते हैं। पर प्रकृति ने ना ऐसी चाल चली, ऐसा मेरे को भगाया भगाया भगाया। ये सच्ची घटना नहीं है, बता रहा हूँ आपको कि हाँ मैंने ऐसे प्रकृति ऐसी प्रकृति हमारे साथ में खेल खेलती है, और प्रकृति आपको बताती है, हाँ रिवेश तू सच में बड़े प्रॉब्लम में है, तू बड़े प्रॉब्लम में है। और ऐसे खेल खेला जाता है, ऐसे खेल खेला जाता है। प्रभुता जी लिखती है नौटंकी ओलंपिक्स, यस, और हम जीतने के लिए मतलब रेडी रहते कि इस नौटंकी ओलंपिक में हमें कोई अवार्ड दे, इस तरीके से हमारा बर्ताव होता है, बहुत नौटंकी करते हैं, बहुत नौटंकी, रोना धोना हंसना गाना सब होता है इसमें, बचाओ 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 यार कोई, अरे तुम्हें क्या समझेगा मैं किस प्रॉब्लम में हूं। स्नेहा जी पूछ रही हाउ इज ममता डिफरेंट फ्रॉम करुणा, करुणा एंड ममता डिफरेंट, ममता मतलब मेरा मेरा मेरा, ममता वो नहीं, ममता मतलब माँ की ममता बोलते वो नहीं, वो वाली ममता नहीं, एक्चुअली ये थोड़े बेसिक्स जो है वो वर्ड्स के बेसिक्स, ममता मतलब मेरा मेरा, अहमता मतलब मैं करता हूँ, ममता मतलब ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा है, मी माइन एंड आई इज ममता, अहमता मतलब आई एम द डूअर, अहमता मतलब कर्तापना, और वासना मतलब मेरी इच्छाएं, मान मोह ये सारी मेरी इच्छाएं, माई डिज़ायर्स, ये मुझे इसमें बांधे रखती है, ये इस पेड़ के साथ में बांधे रखती है, ये उल्टे पेड़ के साथ में बांधे रखती है। जी प्रभुता जी, विहंगम मार्ग की साधना कांट बी रिप्लेस्ड बाय हेलीकॉप्टर, यस, ये विहंगम मार्ग, बोध मार्ग आपको पूरा बचा लेता है, आपको बोलता है ये नौटंकी है, नौटंकी है, नौटंकी बाबा ये नौटंकी है, आपको भी लगाना कि मैं सच में शायद कहीं पानी पे था, नहीं ये सारा इल्यूजन था। यस, ड्रॉप द सेल्फ एंड फ्लो, माझे मनोरथ पूर्ण कीजे देवा,
केशव माधव नारायण। नाम हण जीव हो तो का सविस खेल तुझी आस आथ बरी। तेरी आस करूं इस समय में वही सही, वही बचाएगी। अब तो कृष्ण भगवान बताते हैं क्लियरली कि जो मेरी अभी आस करता है तो वही इससे बचेगा, वही इससे बचेगा। क्यों? क्योंकि इस चीज को जानो कि ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ में सब बदलने वाले हैं, बदलते रहने वाले हैं। जीव, लोग, घटनाएं, ये सब बदलते रहने वाला है। आपको इससे निकल जाना है। कैसे निकलोगे? तो इस चीज को जानो। एक ये इस वर्ष का ये मैन ऑफ द मैच होता है ना, वैसे ये वर्ष है। ममय वांशो जीवे लोको जीवभूता सनातन है मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृष्ठानी कर्षते। इस चीज को जान लो कि सब में मैं ही हूं। कृष्ण भगवान कहते हैं मैं बोध स्वरूप सब में मैं ही हूं। इस बात को जान लो। ममय वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन, और सनातन से हूं। मतलब ये पत्ते फूल भले बदलते रहते हैं, ये पेड़ अनादि है पर इलुजरी है, इलुजरी नहीं है, वो भ्रम पैदा कर रहा है कि जैसे कि कायम रहने वाला है ये फल, वैसे कायम पैदा रहेगा ऐसा बता रहा है। तो और आप करने वाले नहीं हो इसमें, इसमें आपकी प्रकृति कर रही है, प्रकृति स्थानी कर क्षति। तो इस बात को समझ जाओ। और जीव ही मेरा सनातन अंश है, हर एक जीव मेरा सनातन अंश है, लेकिन वो नहीं कर रहा है, उसकी प्रकृति उससे करा रही है। वैसे आपके साथ में जो कोई कर रहा है ना, वो नहीं कर रहा है, उसकी प्रकृति उससे वैसे करा रही है। उसकी प्रकृति आपके कर्मों से बंधी हुई है, इसलिए ऋणानुबंध है उसका। और ये सारे जीव अपने अपने, जैसे वायु जब जाता है तो अपने साथ में फूलों की गंध या खुशबू ले जाता है, वैसे ही जीव जो है जब एक शरीर छोड़ता है दूसरे शरीर में जाता है तो ये सारे कर्मों को लेके जाता है। क्योंकि जीव जो है ना, आपका मन, इंद्रिया और आपके पंच महाभूत या आपका कान, आँख, त्वचा, जबान, नाक, इनके जरिए विषयों का, मतलब इनका आश्रय लेके विषयों को सेवन करता है। तो जो अविचारी जो होता है मनुष्य, वो बोलता है कि ये आत्मा के ही बातें, पर ये आत्मा की बातें नहीं है, ये प्रकृति की वजह से है, ये आत्मा की बातें नहीं है। तो जिसको ज्ञान रूपी चक्षु मिला है, क्या लिखा है यहाँ पे भगवद गीता के वर्ष नंबर 8 में कि जिसको चक्षु मिला है, वर्ष नंबर 10 में जिसको दिव्य चक्षु मिला है, उसको पता चलता है कि ये बातें तो आत्मा की है, ये बातें तो मेरी है ही नहीं, ये प्रकृति की बातें हैं, आत्मा की है ही नहीं। हेलो, ये बातें आत्मा की है ही नहीं। पर इसके लिए चाहिए कि आपको ज्ञान चक्षु मिले, और ज्ञान चक्षु मतलब बोध मिले, बोधोपाय मिले। लेकिन बोधोपाय एक बार ले लेने के बाद में होता क्या है ना, मैं बताता हूँ आपको। बोध जो है, बोध और ज्ञान, वो आपको कभी भी फोर्स नहीं करेगा, जैसे हम आपको फोर्स नहीं कर सकते। बोध आपको कभी फोर्स नहीं करेगा कि ऐसा करो, पर बोध आपको बताएगा कि ये गलत है, ये सही है। पर बोध कभी भी आपको फोर्स नहीं करता, बुद्धि आपको फोर्स करेगी। बुद्धि के सामने आपको घुटने टेक देने पड़ेंगे। तो बुद्धि रिवेश जो है वो बुद्धि को फॉलो करता है, और विभूश्री वो बोध को फॉलो करते हैं। तो बोध कभी कभी विभूश्री को बोलते हैं कि ये जो तुम्हारा स्टूडेंट है ये गलत काम कर रहा है, इसको जरा डांटो, इसको जरा कुछ गलती दिखाओ। पर रिवेश है कि नहीं सुनता, रिवेश बोलता है अपना ही बच्चा सुन लेगा, समझ लेगा, और उसको और कोई प्रकृति से आएगा और उसको रास्ता बराबर से दिला देगा। तो विभूश्री कोई फोर्स नहीं करते, क्योंकि रिवेश की प्रकृति है कि किसी को डांटना नहीं, किसी को बुरा नहीं बोलना। रिवेश की प्रकृति समझ में आती है,
फिर वो किसी को डांटेगा नहीं, बोलेगा नहीं, भले वो गलत काम कर रहा है, गलत तरीके से जा रहा है, तो ठीक है। विभूषी बोलते ठीक है, तो तेरे को स्टूडेंट के जरिए ही सिखाता हूँ, रुक, तेरी नौटंकी और तरीके से निकलेगी। ये कैसे? फिर कभी इस बारे में बात करेंगे हम, लेकिन हम बोध की नहीं सुनते हैं। हम बुद्धि के तुरंत सुन लेंगे, बोध की नहीं सुनते। तो बोध हमें कुछ बताता है, बोध हमें बताते रहता है, हम बोध की नहीं सुनते। हम तीन चीजों की सुनते हैं, ममता, अहमता और वासना, इन तीन चीजों की, क्योंकि ये तीन चीजें बुद्धि के सहारे चलती है। तो आगे ज्ञानेश्वर में लिखा है कि जो पुरुष ज्ञान एक बार ले लेता है या बोध ले लेता है या बोधोपाय ले लेता है, मतलब उसको ज्ञान आ गया, तो शुरू शुरू में हम बता रहे हैं ना आपको कि 12 साल इसको क्यों देने हैं। 12 साल आपको विनम्रता के लिए देने हैं, शिष्य भाव के लिए देने हैं, और बोध के लिए देने हैं, ना ही किसी गुरु के लिए देने हैं, ना ही किसी संस्था के लिए देने हैं, ना ही अपने को कहीं पर बांध लेना है। 12 साल आपको अपने विनम्रता को, अपने शिष्य भाव को देना है, अपने सेवा भाव को देना है। इस चीज को समझ जाओ, नहीं तो क्या होगा। ज्ञानेश्वरी में बात लिखी है कि ज्ञान लेने के बाद में कोई विषयासक्त हो गया और वो बुद्धिमान है, तो उस व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान होना शुरू होता है और आत्मा के सारे शब्द ज्ञान होना शुरू होगा। विश्व में कितने परमाणु हैं इसके गणित वो बताएगा, वेदांत शास्त्रों की प्रक्रिया एकदम से बहुत मीठी अंदाज में समझा के बताएगा, परंतु ऐसी विद्वत्ता भी होगी उसके अंदर। लेकिन अगर ये बातें नहीं हैं, यहाँ पे वैराग्य की बातें कहीं पर, हम बोध मार्ग में वैराग्य नहीं फॉलो करते, वैराग्य सन्यासी फॉलो करते हैं, हम जो है हम अनासक्ति को फॉलो करते हैं। अनासक्ति मतलब कोई भी फोर्स नहीं, हाँ, और वितरागत का फॉलो करता है। ये जो बोधोपाय ले रहे हैं वो समझेंगे, अभी इतना समय नहीं हमारे पास में, लेकिन यह सहज है कि जो एक फैमिली लाइफ में है, जो गृहस्थ जीवन में है, उसके लिए पॉसिबल है। ये अगर वो नहीं करेगा तो उस ऐसे व्यक्ति को, मतलब ये भले उसको सब आ गया, ये विद्वत्ता भी आ गई उसको, लेकिन अगर ये बात नहीं है, शिष्य भाव अगर उसमें नहीं है, तो मेरी और उसकी मुलाकात कभी नहीं होगी। उसके चित्त में अभिमान होगा और जबान पे सर्व शास्त्रों का अभ्यास, वो मुझे प्राप्त नहीं होते। ओवी नंबर 361 से 397 ज्ञानेश्वरी ये बता रही है। इसीलिए हमें शिष्य भाव, विनम्रता और ये जो बातें धीरे धीरे हमारे अंदर आ रही है बोधोपाय की वजह से, हमारी ममता कम हो रही है, हमारी अहंता कम हो रही है, हमारी वासनाएं कम हो रही है, उसको होने दे। आपका काम क्या है? आपका काम है पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, पश्यन्ति दृष्टा बने रहे, दृष्टा बने रहे, आपको दृष्टा बने रहना है, निष्ठा भाव बने रहे। तो पहला हमने बताया आसरा, हमारा आसरा जो है ना वो उल्टे पेड़ पे है, नंबर वन। दूसरा है भवसागर, भवसागर मतलब ये 15वां चैप्टर 4 चीजों में बटा हुआ है। तो पहला हमने बताया आपको वो है आसरा, हमारा आसरा गलत पेड़ पे है, उल्टा है, वो हमें कभी भी फंसा सकता है। हमारे रज तमस और सत्व गुण के अनुसार वो आगे पीछे चलते रहता है। और फिर हमारा भवसागर कभी होता है कभी नहीं होता, भवसागर मतलब जो बिकमिंग, कभी होता है कभी नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है और ये पेड़ चलता ही है, लगातार चल ही रहा है, चल ही रहा है, खत्म ही नहीं होता। हमें लगता है कि काट देंगे काट देंगे, एक टहनी काटी तो दूसरी तैयार, तो चल ही रहा है भवसागर। और तीसरा जो है वो है आधार, आधार ये किसका आधार है, इनका आधार कौन है? तो कृष्ण भगवान कहते हैं सबका आधार मैं हूं, मैं पृथ्वी का भी आधार हूं और पृथ्वी पे जो भी कोई है उनका सबका मैं आधार हूं। तो इसीलिए तू मेरे पास आ, वो क्लियरली बता रहे हैं
15वें अध्याय में वर्ष नंबर 11 में बताएं, कोई कितना भी यत्न करे कुछ नहीं होगा, कितना भी प्रयास करे कुछ नहीं होगा। इस बात को जान लो, अहम वैश्वा नरो भूतवा प्राणी नाम देहम आश्रितः, सबके प्राणी मात्र के मैं आश्रित हूं, प्राणियों के शरीर में रहने वाला हूं, मैं प्राण हूं, अपान हूं, जठराग्नि हूं, सब कुछ मैं ही हूं। और ये स्मृति विस्मृति का काम भी मैं ही कराता हूं। स्मृति मतलब लगातार ईश्वर का प्रेजेंस बना रहे अपने दिमाग में, ये स्मृति। विस्मृति मतलब ईश्वर को भूल जाए। ये कौन कराता है? ये भी ईश्वर ही कराता है। कैसे ईश्वर कराता है? मतलब ईश्वर नहीं कराता, वो कर्मों के अनुसार हो जाता है, स्मृति विस्मृति, पर इन सब में मैं ही हूं। और मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। तो इस चीज को जान लो। इस संसार में क्षर, क्षर मतलब जो इस चीज को नहीं समझते वो क्षर मतलब नीचे चले जाते हैं, अक्षर उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, नीचे नहीं करते। इन दोनों के परे हूं मैं, इन दोनों के परे हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम हूं। इसलिए उत्तम पुरुषं पुरुषस्तवन्यः, क्या लिखा है? उत्तम पुरुषस्तवन्यः परमात्मे उद्दात रहतः, माफ कीजिए, पर उत्तम पुरुष तो विलक्षण ही है, वह अविनाशी ईश्वर तीनों लोक में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। आपको इस बात को मानना होगा कि अगर आपने इस चीज को मान लिया तो ये आपकी प्रकृति जो है ना, जो भी आपके साथ में नौटंकी हो रही है ना, वो ऐसे गायब हो जाती है और आपका भरण पोषण वहां पे होना शुरू होगा। ये अनुभव की बात है, अनुभव करना होगा आपको। आपको एक तो निष्ठा में आ जाइए, या आपकी प्रकृति की आपके जो ममता अहंता और वासना में आप अगर बने रहें, वो अगर आपने आपको किसी भी इन तीनों चीज़ों में से किसी ने अगर पकड़ा रखा हुआ है तो दिक्कत देगी। ये प्रकृति आपको बार बार जताएगी कि अभी भी आप बोध में आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं हो रहे हो। इसके लिए सोल्यूशन है, बोध पाए में आपको बराबर से सोल्यूशन मिला है। फिर से समझो इसको, क्योंकि एक बार आपने बोध पाए ले लिया और फिर भी आप ममता अहमता वासना में बने रहे, जो हालांकि अगेन आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से यह सब बदल सकता है। इस चीज को हमें समझना होगा। इस पुरुषोत्तम को जानो तो यह सब बदल जाएगा, इसकी गारंटी है। यो माम एव संहूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद विद्भजति माम सर्वभावेन भारत। सर्वभाव से जो मुझे भजता है, जो पुरुषोत्तम को जानता है, वो इससे मुक्त है, वो इससे मुक्त है। वरना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मतलब बार बार जन्म लोगे बार बार मरोगे, वो वाली बात अलग है। बार बार प्रॉब्लम आएगा, बार बार उसी में फंसोगे, बार बार उसको टालने की कोशिश करोगे, बार बार उसी में फंसोगे, बार बार निकालने की कोशिश करोगे, बार बार फंसोगे। कब तक ये करते रहोगे? ऐसा लगता है कि यार अभी नहीं, फिर कभी फल मिलेगा। ये फल मिलेगा ज़रूर, ये टेस्टी फल है, मिलेगा ज़रूर, कभी ना कभी तो मिलेगा। ये नहीं मिलता भाई, ये नहीं मिलता, ये फंसा के रखता है हमें, ये ऐसे उलझा के रखता है। ये कभी अच्छा लगता है, कभी ये लगता है, कभी वो लगता है, कभी फूल दिखता है, कभी फल दिखता है, कभी स्टार दिखता है, कभी क्या दिखता है। ये पंछी जो है, हमारा जीव जो है, वो भटक रहा है। इसको बस इस परमात्मा की ख्वाहिश है, इसको तो ये परमात्मा ही चाहिए। हमारे अंदर जो जीव है उसको परमात्मा ही चाहिए, पर ये टहनियाँ बढ़ाते जा रहा है, नौटंकी दिन ब दिन करते जा रहा है। ये कब तक पेड़ काटता रहेगा? कितनी टहनी है अपने चोच से काटता रहेगा? पॉसिबल नहीं है। गुरु कृपा से यहाँ पे आ जाओ, ईश्वर, क्योंकि कोई भी अध्यात्म अगर आपको ईश्वर के बारे में नहीं समझा रहा है, ईश्वर तक नहीं ले जा रहा है, उसको वहीं पे छोड़ दो, वो स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट है। बार बार आपको स्मृति दिलाएं कि हमें ईश्वर की तरफ जाना है, वही सही अध्यात्म है, अदरवाइज वो अध्यात्म नहीं। बार बार वो आपको ईश्वर दिखा दे, वरना ये प्रकृति तो बनी रहेगी। अध्यात्म
बहुत सारे लोग अध्यात्म के लिए ध्यान धारणा वो सब करते रहते हैं, वो थोड़ी देर का अध्यात्म है, फिर से प्रकृति खड़ी उठ जाती है। ये मोक्ष की बात नहीं है, ये मुक्ति की बात है, मोक्ष की बात आगे। पर हमें करना क्या है, हमें ये जो सूर्य हैं, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो जो जय वांछिल तो लाहो प्राणी जात, ये समाधान जो है आपको जहां मिले उसको पकड़ लो। ये बोध है आपका, इस बोध के लिए आपको काम करना है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं काम करना आपको, बल्कि बोध के लिए काम करना है। इस चीज को समझ जाओ कि बोध आपका है और वो बोध सब में है, वही बोध सब में है जो आपका बोध है, क्योंकि माम वंश जिवे लोको, ये कृष्ण भगवान बताते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बोध मार्ग मतलब किसी कोई संस्था है, किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये सबकी है। यहाँ पे कोई बंधेगा नहीं, सब सारे के सारे फ्री हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेके आगे चलना है। टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी सिंसियर, सिंसियरिटी से आगे बढ़ो, आप देखेंगे कि ये बोधोपाय हमें इन सब से तार लेगा, है ना। इति गृहतमं शास्त्रम इदमुक्तं मयानघः एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानं सात्कृतकृतस्य भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान तथा कृतकृत्य हो जाता है, जीवन सार्थक हो जाता है। आगे बढ़, बेहिचक। मुकोतार ले रे जन तारे बना जानू बाप बैठला बाप विठला मोको तार ले रे नर्त सुर होए जात निमख में गुरु बोध सिखलाए रामा तार ले रे मोको तार ले रे ग्रंथ ही गुरु है,
ये ज्ञानेश्वरी कि जब हम संथा लेंगे, पसायदान की संथा लेंगे, बोधोपाय लेंगे, ये इस मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, हमें करना क्या है? हमें बस निष्ठा, निश्चय, शरणागति, अपने अंतर गुरु के प्रति बने रहना है, भटकना नहीं है। एक बार निष्ठा कर ली, एक बार ठान लिया, एक बार निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय कि हमें अभी आत्मा की तरफ जाना है, बोध की तरफ बढ़ना है। और ये जो वृक्ष हैं, ये वृक्ष, ये जो उल्टा वृक्ष हैं, उसको हमें समझना है। देखो, हम उसको मिटा नहीं सकते, कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि वो ईश्वर ने प्रकृति वैसे बनाई है। हम मिटाने लग गए मतलब हम ईश्वर के परे चले गए, दैट्स नॉट पॉसिबल। व्हाट इज पॉसिबल इज कि गुरु कृपा से आप इससे तर जाओगे और आप देख पाओगे कि असली प्रेम क्या है। किसी ने पूछा है कि गिव अप एंड सरेंडर में क्या है। गिव अप और सरेंडर, सरेंडर किसे करेंगे? सरेंडर बेसिकली, जब आपने सुना होगा कि फिल्मों में डकैत जब होती हैं तो डाकू लोग सरेंडर करते हैं पुलिस को, और जब आप थक जाते हैं तो गिव अप कर देते हैं। लेकिन ये हम जो शरण की बात कह रहे हैं, सरेंडर की, ये शरण हमारे भीतर जो अंतर्गुरु हैं उसको करना है। हम जो बहुत ज़्यादा मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, मैं करूँगा, मैं करता अपना और मैं भुगत रहा हूँ, देखो मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, या देखो मुझे कितना अच्छा मिल रहा है, मतलब ममता, अहमता और वासना है, ये बातें जो है वो हमें शरण नहीं करने देती। तो शरण मतलब कि ऐसा कुछ तत्व है, उस चीज़ को मैं जानना चाहता हूँ, बड़ी विनम्रतापूर्वक, या मैं सब जान गया, मेरे को सब पता है, हाँ मेरे को सब पता है, वो बड़ी बाधक है, वहाँ पे शरण काम नहीं करता। और शरण कब करेंगे आप? शरण करने का मतलब क्या है? अगर आपने निश्चय नहीं किया तो शरण नहीं होगा। तो पहले निश्चय करना होता है कि यस, मुझे आत्मा की प्राप्ति करनी है। क्योंकि इसी चैप्टर में, दूसरे ही वर्ष में लिखा है कि इंसान बहुत कुछ जान सकता है, लेकिन ये अगर नहीं होगा तो उसका कोई मतलब नहीं, ये कर ही नहीं सकता वो, ये उसको नहीं मिल सकता। तो ये सबको नहीं मिलता, ये सबको नहीं समझ में आती ये बात। भले इस दुनिया में उसको सब कुछ मिला हुआ हो, उसका बहुत बड़ा नाम हो, लोग उसको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हो, लेकिन ये अगर वृक्ष को नहीं समझता तो उसका लाइफ लिमिटेड है। तो अगर वो जानना चाहे कि इसके परे क्या है, तो इसके लिए शरण, वो अपने ही भीतर का ऐसा कुछ तत्व है जिसको हम गुरु तत्व कहते हैं, हमारे सबके भीतर है वो, उसको शरण चले जाना है बस। तो आज 15वां चैप्टर जो है ये इसके परे हैं एक्चुअली। पहली बात, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उतना समझाना नहीं आता, मेरी बातें, बोल अभी भी उतने मैच्योर नहीं हैं, और बहुत सारी बातें हैं ऐसी, अभी भी हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। जिस दिन हम इसको पढ़ लेंगे और अच्छे से शायद इसको बता पाएंगे, और अब तक तो है जस्ट जो कल्पनाएँ हैं छोटी मोटी, वो जो रिवील हुआ ऐसा लगता है, तो जो रिवेलेशंस हैं वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत वर्सेस का सहारा लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे बहुत सारी भूल हो सकती हैं, और आई एम श्योर वो सारी भूलों को आप माफ़ करेंगे, और आप श्रोता हो, आप श्रोता के सबके भीतर जो परमात्मा हो, वो परमात्मा हमें आशीर्वाद दें और हमारी सारी चुकों को वो माफ़ करें, और इस प्रसाद को आप ग्रहण करें, आपके जीवन में आप उतार पाएँ, और उसी आत्मा को, उसी परमात्मा को आप छू पाएँ। इसी शुभकामनाएँ सभी को। जय गुरुदेव। संत श्रेष्ठ ज्ञानराज मौली की जय हो। थैंक यू वेरी मच। जय गुरुदेव।